हिमाचल जिसे देवभूमि कहा जाता है, उस पावन भूमि पर हिमाचल को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा गौवंश से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हुआ पकड़ा गया है। पुलिस ने अप्राकृतिक यौन संबंध व पशु क्रूरता के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पशु चिकित्सक से गौवंश का मेडिकल भी करवाया गया है और आरोपी व्यक्ति 57 साल का है और पेशे से किसान है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस थाना में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें लिखा गया था कि जहां उन्होंने अपने पशु बांधे थे वहां रात को कोई नहीं रहता है। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि दोषी व्यक्ति गौवंश के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहा है, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है, साथ ही उससे आवश्यक पूछताछ भी की जा रही है। एएसपी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। पिछली कल रात को पुलिस थाना दालाघाट में सूचना प्राप्त हुई कि उपमंडल अर्की के एक गांव में एक फीडिंग एनिमल के साथ एक व्यक्ति जो है अननेचुरल सेक्स कर रहा था। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने पाया कि एक व्यक्ति जो उसी साथ ही लगते गांव का था, उसका नाम रामलाल था, वो जो था एक जिस फीडिंग एनिमल के साथ जो था अननेचुरल सेक्स कर रहा था। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस बारे जो है उस व्यक्ति का जो हम मेडिकल परीक्षण करवा रहे हैं और इस बारे में हमें राय ली जा रही है कि इसकी मानसिक स्थिति क्या है।